स्वरूप नगर के लुटेरे के डर से हर मामले में होता है समझौता। कानपुर, बड़े बड़े आईपीएस व सपा नेताओं की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं स्वरूप नगर के लुटेरे। काकादेव के कोचिंग संचालक साहिल सिद्दीकी के साथ कई कोचिंग संचालक करते हैं स्वरूप नगर के लुटेरे गैंग की पैरवी। आईपीएस अधिकारियों व शहर के कई सम्मानित नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर प्रशासन की कार्यवाही से बचते हैं स्वरूप नगर के लुटेरे। शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए कार्य करने वाली पुलिस अब पहले से सुस्त दिखाई पड़ रही है। जहां जिले में एक से एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिसकर्मी अपना कार्य कर रहे हैं, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मियों के चलते क्षेत्र में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। ताजा मामला काकादेव क्षेत्र में देखने को मिला, जहां कुछ समय पहले थाना स्वरूप नगर में पकड़े गए लुटेरों ने अब काकादेव क्षेत्र में भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। हाल ही में इन्हीं लुटेरों ने एक महिला पत्रकार पर भी हमला किया था, जिस हमले में बाल बाल महिला पत्रकार की बची थी जान। महिला पत्रकार पर हुए हमले की भी सीसीटीवी फुटेज हुई थी सोशल मीडिया पर वायरल। इन लुटेरों ने महिला पत्रकार पर भी की थी बमबारी और अब इन्हीं लुटेरों ने काकादेव में बने चाय सुट्टा बार में भी जमकर आतंक मचाया और चाय सुट्टा बार के अंदर घुसकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मिली जानकारी के अनुसार लुटेरों के डर से युवक कर रहा है इनसे समझौता। लोगों की माने तो स्वरूप नगर के लुटेरे पहले क्षेत्र के लोगों से करते हैं मारपीट, फिर बड़े बड़े लोगों से दबाव बनवाकर हर मामले में करते हैं समझौता। हैरत तो इस बात की है कि स्वरूप नगर से पकड़े गए लुटेरे काकादेव क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं। महिला पत्रकार पर हुए हमले के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्यवाही करने का दिया गया था आश्वासन। वहीं इन लुटेरों की शहर के कई आईपीएस अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं व काकादेव क्षेत्र साहिल सिद्दीकी के साथ कई कोचिंग संचालकों के साथ की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कुछ दिनों पूर्व स्वरूप नगर क्षेत्र में एक सेल्समैन से लूट के मामले में विष्णु सिंह भदौरिया उर्फ विष्णु ठाकुर और उसके कई साथी जेल जा चुके हैं, जहां एक और विष्णु ठाकुर और उसके साथी लूट बकैती जैसी घटनाओं में जेल जा चुके हैं, तो वहीं इनका एक साथी कई लोगों के साथ कर चुका है हजारों रुपए की टप्पेबाजी। इतना सब करने के बाद भी स्वरूप नगर के लुटेरे विष्णु ठाकुर और उसके अन्य साथी काकादेव क्षेत्र की गलियों में खुलेआम घूम रहे हैं। अब देखना यह है कि इन लुटेरों पर स्थानीय पुलिस क्या कार्यवाही करती है। सूरज कश्यप की रिपोर्ट। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।